मध्य प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के बाद लगातार हुई बारिश में हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जान जोखिम में डालते लोग नजर आ रहे हैं, तो कहीं वाहन चालक यात्रियों की जान खतरे में डालकर तेज बहाव में भी पुल पुलिया पार कर रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भराव की स्थिति से गरीब वर्ग परेशान है, तो कहीं किसी का आशियाना ही टूटकर बिखर गया, तो कहीं मौत की खबर ने परिवार का मनोबल तोड़ दिया। इन हालातों के बाद अब फिर मौसम विभाग का 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ अलर्ट जारी हुआ है। खरगोन में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत और मुसीबत लेकर आ रही है। खरगोन में दो दिनों में करीब 5 इंच बारिश होने से जनजीवन पर भी इसका विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते खरगोन के औरंगपुरा इलाके में एक मकान धराशाही हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मकान में रह रहे मुकेश सालवे ने बताया कि खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते उनका मकान अचानक भरभराकर गिर गया। उस वक्त घर में बुजुर्ग पिता सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान वे बाल बाल बच गए। सर, एकदम से दीवार गिरी और बाहर बच्चों को लेकर बाहर निकले तो सब सामान टूट गया, चादर फर्शी और सब। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा, चंबल, शिवना, कुंदा नदी सहित अन्य नदियों के साथ सहयोगी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। नदी नालों के बढ़ते जल स्तर ने प्रदेश के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से सड़क संपर्क को भी प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली कुंदा नदी भी उफान पर है। नगर में बुधवार शाम से मूसलाधार बारिश जारी है। वहीं नगर की गोमुख नदी में भी बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश के कारण आसपास के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बिस्टान की इंद्रावती नदी ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया है। मिली जानकारी के अनुसार गलतार बांध पूर्ण रूप से भरने के बाद गुरुवार को इंद्रावती नदी सहित नदी नाले उफने, जिससे कुओं और नदियों का जल स्तर बढ़ गया। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप सिंह और बिस्टान से यशवंत गुप्ता की रिपोर्ट। जिससे वाहनों की लंबी कतारें बारिश थमने और जल स्तर कम होने का इंतजार करती नजर आई। बड़वानी से सरदार सरोवर बांध की डूब में आ रहे इलाकों में भी पानी भर गया है। प्रदेश के जबलपुर में 111 मिलीमीटर, खंडवा में 137, खरगोन में 107 और सबसे ज़्यादा अशोकनगर में 186 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिला बड़वानी के बड़दा नगर के नदी में, यहाँ पे बड़दा का सारा माहौल अभी डूब क्षेत्र है, पूरा डूबा हुआ नगर है। जैसा कि आप देख रहे हो, वर्तमान में अभी यहाँ पे हम लोग जो स्वयं से भी काम करते हैं या जो नाव चलाते हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गोले जी, आप यहाँ कब से हो? मैं तो यहाँ से मतलब 3 दिन हो गए। 3 दिन लगत मतलब इनको खाली करना, बचाना और जो अधिकारी आए उनको ले जाना, सब मतलब 3 दिन से परेशान हूँ वहीं से। मतलब दिन रात यही समस्या और नाव पे रहना पड़ता है मेरे को। तो अभी मतलब आप तो सो भी नहीं पा रहे होंगे? नहीं, अभी तो कहीं सोने का काम ही नहीं हो। सो तो फिर ना, बहुत बाढ़ आती है तो फिर नाव और अधिकारी भी फ़ोन लगाते बार बार, तो उनके लिए भी जगना पड़ता, फ़ोटो भी मतलब देना पड़ता, पानी का टेबल भी देना पड़ता और जो उधर बस्ती है उधर भी जाना पड़ता, उनका सामान भी लाना पड़ता। रात भर भी परेशान है और वो भी भगते नहीं और बार बार आ जाते हैं, तो वापस ले जाना पड़ता है ऐसा। मतलब नाव में ही अपना ये रहता है मतलब। तो लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या निकलना नहीं चाह रहे हैं? ये इनको मुआवजा नहीं दिया तो वापस अधिकारी आते हैं तो फिर इनको निकालते हैं और वापस फिर आ जाते हैं, तो उनको मतलब मुआवजा मिला नहीं और फिर वो नाव का सहारा लेके फिर उधर रास्ता भी नहीं जाने का, तो फिर नाव का सहारा लेके हमको लाना पड़ता है शाम को भी, और फिर जब फ़ोन लगाए तब और अधिकारी को उनको भी ले जाना पड़ता है।
तो ना तो आराम कर पाए। नहीं अभी तो आराम तो क्या है, हम तो आराम करते ही नहीं हो, हम आराम करेंगे तो फिर वो बाहर के हालात में परेशान हो जाएंगे और डूब जाएंगे, तो इसलिए हमको बचाना पड़ेगा उनको। बहुत अच्छा। और नगर की स्थिति तो अभी ऐसी लग रही है कि यहाँ से आप निकलो किस तरीके से, इसका भी कुछ प्रयास नहीं नजर आ रहा है। हाँ वो तो अभी बहुत बाढ़ तो बहुत आ गई है यहाँ पे, इधर उधर देखो ना पूरे मतलब ये सब बस्ती सब मकान पास पास में सभी ये नर्मदा तट के किनारे ही है, इनका सहारा सिर्फ नाव ही है बस, और उधर तो रास्ता है तो फिर इधर नहीं रास्ता है, तो इधर के लिए तो नाव ही ले जाना पड़ता है हमको। तो अभी वर्तमान में यहाँ रामपुरा जो क्षेत्र है वहाँ पे जाने आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं सिवाय नाव के? हाँ कोई नहीं, बस नाव ही है। तो यहाँ आपको सदा नाव चलाते रहना पड़ रही होंगी क्योंकि लोगों को पुनर्वास करना है, वहाँ से हटाना है कम से कम। हाँ वो तो ये नाव तो हमको चलाना पड़ती है ना, तो हर साल परमानेंट लगती है और हर साल मतलब हमारा काम यही चलता है और बचाना बस, और क्या नाव ले आगे अच्छी चीज़ है, हालांकि जान की बच जाए बहुत है, इतना इतना तो कर सकते हैं अपन मतलब इंसानियत के नाते। ऐसी कंडीशन में अगर अचानक से पानी भरता है तो आप कहाँ पे दौड़ोगे, आपकी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था नहीं है, नहीं रहने की व्यवस्था नहीं तो जाएगा, 3-4 दिन से बुखार आ रही है हमे को, अस्पताल नहीं जा पा रही। तो हॉस्पिटल की भी कोई व्यवस्था नहीं है? प्रशासन ने तुम लोगों को रहने रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की हुई है? कुछ नहीं किया। खरगोन में भी लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कों के हालात बदतर हो गए हैं, जगह जगह गड्ढे होने से लोग गिर रहे हैं, तो किसी का मोबाइल जेब से गिरकर पानी में ही टूट फूट गया। पोस्ट ऑफिस चौराहे से लेकर जिला अस्पताल तक सड़क की हालत खराब है। बारिश के पानी से भरे गड्ढों में गहराई पता नहीं होने से हादसे हो रहे हैं और जिम्मेदार जिम्मेदारी से कन्नी काट रहे हैं। हालांकि सड़कों की बदहाली के पीछे मूल वजह जल आवर्धन योजना की खुदाई के दौरान बढ़ती लापरवाही भी है। लापरवाही छिपाने के लिए की गई लिपापोती के कारण जगह जगह सड़क धंसने लगी है, लोग अपनी पीड़ा कह रहे हैं। न गड्ढे में मेरी गाड़ी जाके ना गड्ढे में गिरी है, तो मेरे मोबाइल का मोबाइल जेब में तो गिर गया ना, उसके बाद में मेरे 1-1.5 घंटे से ढूंढ रहा, अभी फिर मेरे को मोबाइल मिला, मोबाइल का एक पीस मिला है बस। और इसके पहले भी पानी गड्ढे इतने हैं कि वो देख नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद वो धीरे से गड्ढे में जाने में एक और स्कूटी वाली छोरी भी गिर गई थी। क्या लगता है जो सीवरेज का काम कर रहा है जगह जगह गड्ढे हो गए? जगह जगह गड्ढे हैं और बहुत परेशानी हो रही है, और पानी भरा होने के वजह से जजमेंट लगता नहीं और गाड़ी गड्ढे में चले जाती है। क्या नाम है आपका? राधे। जब इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष विपिन गौर से बात की तो वह खुद प्रशासनिक जिम्मेदारों के सामने अपने आप को असहज जताने लगे। अध्यक्ष ने कहा कि इन्हीं मामलों के साथ शिवडोला यात्रा मार्ग दुरुस्ती के लिए हाल ही में पार्षदों ने CMO कक्ष के बाहर ही धरना तक दिया, लेकिन सड़क दुरुस्ती बरसात रुकने के बाद होने का हवाला दिया। एक तो कर दिया गया लेकिन अब वो फिर गड्ढे पानी के से बनते जा रहे, लोग घेर रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका कुछ नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं, नगर पालिका कर रही है उन लोगों को जो जल आवर्धन योजना का जो काम चल रहा है, सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, उन ठेकेदारों को बार बार बुला के बोला जा रहा है कि आप स्टोरेज करो। उन्होंने स्टोरेज भी करा है, जो मुरुम डाली है, जो मट्टी डाली है, वो डाली है उसके ऊपर जो पानी डाल के और दबाई करना थी वो बराबर नहीं हो पाई है, उसकी वजह से जो उन्होंने रिस्टोरेज करके जो कंक्रीटिंग किया है वो भी अब बारिश लगातार बारिश होने के कारण वो सब जो रिस्टोरेज सीमेंट कंक्रीट का करा था वो भी दब गया, धस गया है, और इस प्रकार से सब दूर जो इस प्रकार की हालात बने हुए हैं, जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको बंद करने के लिए कल हमारे पार्षद लोग भी अनशन पर बैठे हुए थे, इसी वजह से वो जो उनको बताया गया, सीवरेज वालों को भी बुलाया गया, जल आवर्धन योजना वालों को भी बुलाया गया और PIU वालों को भी बुलाया गया, ठेकेदारों को, और उनसे लिखित में लिखवाया गया है कि बारिश जैसे ही बंद होती है उसी 8 दिन के अंदर हम इसका काम चालू कर देंगे, और इस प्रकार से जो जहाँ भी गड्ढे हैं उस प्रकार से ये लोग भर भी रहे हैं और भरवाने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। अब तो गड्ढे हुए हैं तो गिनना वास्तविक बात है, देखे तो अभी भादो लगने वाला और तेज बारिश हो, लगातार बारिश होगी, ऐसे में जब बारिश बाद कंपनी इसको सुधारने की बात कर रही है तब तक लोगों की स्थिति तो काफी दयनीय हो जाएगी। नहीं नहीं दयनीय हो जाएगी, लेकिन अपन लोग जो है जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं उनको भरवा भी रहे हैं और भरवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और नगर पालिका भी खुद उसके अंदर स्वयं जो काम नगर पालिका निधि से भी करवा रही है कि जल्दी से जल्दी
काम को किसी भी प्रकार से निपटाया जाए। जो काम जल आवर्धन की कंपनी को किया जाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, माना जाए तो निर्माण भी है उसमें काफी लापरवाही है। नहीं, लेकिन ना सीएमओ ध्यान दे रहे हैं ना परिषद ध्यान दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सीएमओ भी उनकी मीटिंग लेके उनको बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये काम रिश्तेदार का करो आप, बाकी फिर भी जो है वो काम के उससे ही काम होता है। लेकिन उन लोगों ने क्या है कि जो सीवर लाइन वालों ने एकदम जो सब दूर काम करा है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हम लोगों को आ रही है। हिसाब से सीवरेज वालों ने लिख के दिया है, जल आवर्धन ने लिख के दिया है कि सारा काम वो बारिश के बाद करेंगे। नहीं, बारिश खत्म नहीं होगी जब तक बारिश का जनता परेशान होती रहेगी। बारिश खत्म नहीं होगी, ये जो बारिश लगातार कंटिन्यूस गिर रही है, ये बारिश बंद होने के बाद जैसा भी खुलेगा ना, उस खुले हुए टाइम पीरियड के अंदर ये लोग काम करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग अब घर से बाहर अपने वाहन लेकर निकले तो सतर्क रहे उन गड्ढों से जो केवल पानी से भरे नहीं हैं बल्कि काफ़ी गहरे भी हैं। मौसम विभाग के 40 जिलों के रेड अलर्ट में लोग आवागमन में सतर्कता रखें। हालांकि शनिवार से सोमवार तक लगातार 4 दिन अवकाश और त्यौहार होने से आवागमन ज़्यादा होगा, इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आवागमन के दौरान नदी नालों के उफान पर आप सतर्क जरूर रहें, तेज बहाव में अपने वाहन पार ना करें। यही SW24 न्यूज़ की भी आम जन से अपील है।